ओम साई राम, जय साई राम। हैप्पी थर्सडे फ्रेंड्स, शुभ गुरुवार, शुभ साईवार। ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परम ब्रह्म श्री समर्थ सदगुरु सच्चिदानंद स्वामी श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरु बाबा की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। जय साईं भक्तों, तो ओम साई राम आप सभी को। ये आज गुरुवार है, बाबा जी का वार है। आप श्री साईं बाबा के चरणों में ध्यान करें। श्री साईं बाबा के चरणों में अपना सर झुकाएं, बाबा को प्रणाम करें। ये हमारे घर के बाबा हैं। मैं साईं बाबा को बहुत ही दिल से मानती हूँ। आपने भगवान को नहीं देखा होगा, लेकिन आज के युग में साईं बाबा में हर देवी देवता का वास है। साईं बाबा सबकी सुनते हैं और सबकी इच्छा पूरी करते हैं। बाबा ने आज तक मेरी बहुत ही इच्छाएं पूर्ण की है, बहुत सारी इच्छा पूर्ण की है, मनोकामना की पूर्ति की है और सभी भक्तों की करते हैं, आपकी भी सुनेंगे। तो बाबा का ध्यान करें, बाबा से जो भी इच्छा हो बोलें बाबा को। बस एक ही इच्छा बाकी है, वो भी बाबा के कहे हुए दो वचन जो हैं, श्रद्धा और सबूरी। मैं बहुत ही श्रद्धा और सब्र रखी हुई हूँ कि बाबा वो भी इच्छा ज़रूर पूर्ण करेंगे और बाबा ही करेंगे। और बाबा ने कहा है श्रद्धा और सब्र रखो। और श्री साईं सच्चरित्र के एक अध्याय में बाबा ने कहा है कि राम जी के घर में अगर आपकी कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है तो राम जी ने कुछ अच्छा सोच कर रखा है। इसलिए बाबा पर विश्वास रखें आप सब भी, और बाबा का ध्यान करें, बाबा का पूजन करें। बाबा बहुत जल्दी पुकार सुनते हैं, बहुत दयालु हैं साईं बाबा, बहुत दयालु है बाबा। ने बहुत सारे मेरे घर में भी चमत्कार किए हैं और भी सभी भक्तों के घर में चमत्कार किए हैं। बाबा बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं। बाबा से आप जो भी मांगेंगे बाबा देंगे। तो आप देखिए हमारे बाबा हैं, मेरे प्यारे बाबा। बाबा सबकी इच्छा पूरी कीजिएगा, बाबा सबके कष्ट दुख दूर कीजिएगा। श्री साईं बाबा के श्री चरणों में आप सब नमन करें। ओम साई राम, जय साई राम। ये लड्डू गोपाल जी हैं मेरे। जय श्री साईं बाबा, सबकी इच्छा पूर्ण कीजिएगा बाबा, सबके कष्ट दुख दूर करना बाबा, सबका भला करना बाबा।